जिले के जावरा में रविवार को निर्माणाधीन हीरो मोटरसाइकिल के शोरूम में चौकीदार की हत्या करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद आसपास में सनसनी फैल गई, जहां निर्माणाधीन शोरूम में चौकीदार शंभू सिंह राठौर मृत अवस्था में पड़ा दिखा, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर घटना स्थल पर ही पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी भी पहुंचे, जिसके बाद मौके पर एफएसएल की टीम भी पहुंची और पुलिस ने आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए। पुलिस को 15 व 16 मई को दो संदिग्ध घूमते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद शोरूम मालिक और शोरूम पर कार्य कर रहे ठेकेदार को भी सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए। फुटेज देख ठेकेदार ने दोनों संदिग्ध की पहचान कर ली। ये संदिग्ध रिलायंस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते दिखे और वहाँ से इन्होंने एक बोतल में पेट्रोल भी भरवाया, जिसके बाद पुलिस ने खोजबीन कर इन संदिग्धों को ढूंढ निकाला। ये दोनों अपराधी अपराध करने के बाद खुद के खेत पर छिपे हुए थे। इस मामले में कुल दो आरोपी थे। आरोपियों ने शोरूम से मोटरसाइकिल भी चुराई थी। आरोपी यूसुन उर्फ सरफराज साथी अशफाक मेवाती निवासी कुशलगढ़ थाना पिपलोदा के रहने वाले थे। जब पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि शोरूम के चौकीदार की हत्या इन्होंने लकड़ी के डंडे से की थी। हत्याकांड का खुलासा करते हुए एएसपी सुनील पाटीदार ने मीडिया को बताया। तत्काल थाना प्रभारी पहुंचे, सीनियर ऑफिसर्स को उन्होंने सूचना दी, जिस पर एसपी साहब पहुंचे और साथ में एफएसएल की टीम पहुंची। जब प्राथमिक तौर पर सारी चीजें वहां से समझ में आई कि इसमें एक हत्या का अपराध है और उस अपराध की कायमी की, जिसमें थाना जावरा क्षेत्र में 181/21 460/302 का अपराध पंजीबद्ध किया। चूंकि ये गंभीर घटना थी, इस दौरान ये ऐसा होना नहीं चाहिए और सब सारी चीज़ें थी, उसमें लगातार टीमों ने प्रयास किए, प्रयास करके इनको एक एक चीज़ें मिलना शुरू हुई। पहला तो ये था कि वहाँ शोरूम पर कोई कार्य करने वाला कोई व्यक्ति है, उसकी सूची ली, उस सूची में जो लोगों से पूछताछ करना शुरू किया तो उसमें कुछ संदिग्ध सामने आए। उसी दौरान एक टीम जो लगातार काम कर रही थी वहाँ आसपास के फुटेज या अन्य चीज़ों पर, तो उसमें से एक कोई संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना प्राप्त हुई, उसको जब तस्दीक किया तो उसमें उन संदिग्धों के बारे में जानकारी ये प्राप्त हुई कि ये कहीं ना कहीं शोरूम पे पूर्व में कार्य कर चुके हैं। जब उनके बारे में वहाँ उनके निवास स्थान पर पता किया तो उनका वहाँ होना नहीं पाया गया, जिसके बाद टीमों ने लगातार जानकारी प्राप्त करके आज उनको गिरफ्तार किया है। इसमें जो दो आरोपी हैं, मुख्यतः यूनुस उर्फ सरफराज पिता निसार खां, ये कुशलगढ़ का रहने वाला है, और दूसरा अशफाक पिता नसीब खां मेवाती, ये भी कुशलगढ़ का रहने वाला है। इन लोगों ने वहाँ घटना को जो अंजाम दिया, ये पहुँचे, चौकीदार की हत्या की और हत्या करके वहाँ से वाहन चुरा कर ले गए। जो दोनों जो वाहन हैं और उसमें हत्या में जो उपयोग किए गए औजार हैं वो सारे जब्त कर लिए हैं। इसके चलते होता है कि ये घटना यहाँ से बाइक चुरा कर और भी दूसरी जगह कोई घटना करना चाहते हैं। इसमें आप सही कह रहे हैं, इसमें चूंकि पहला जो मोटिव है वो तो बाइक चुराना है, बाकी उसके बाद इन चुराई हुई बाइक से कोई अन्य घटना को अंजाम तो नहीं दे रहे थे, उसके संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में अन्य और कोई खुलासा होता है तो आपको अवगत करवाएंगे। ये जो यूनुसुफ सरफराज है, ये आपराधिक प्रवृत्ति की इसकी जानकारी लगी है, हम लोग इसके आपराधिक रिकॉर्ड की भी जानकारी आसपास के थाने या अन्य जिलों से भी लेने की कर रहे हैं। इसकी शोहरत ऐसी पता चली है शुरुआती तौर पर कि इसका उठना बैठना या लोगों से जो जान पहचान है वो आपराधिक प्रवृत्तियों के लोगों से है। दो दोस्तों ने अपने तीसरे दोस्त की हत्या कर लाश को खदान में बने गड्ढे में गाड़ दिया। पुलिस द्वारा शंका के आधार पर पकड़े जाने के बाद दोनों आरोपी दोस्तों ने अपने दोस्त की हत्या करना कबूला। पुलिस ने लाश को गड्ढे से निकालकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा। घटना से नाराज मृतक के परिजनों और समाज के लोगों ने गांव में आरोपियों के मकान तोड़ दिए। डर के कारण आरोपियों के परिजनों ने जान बचाने के लिए गांव छोड़ दिया। दोस्ती को दागदार करने वाली यह घटना है रतलाम जिले के आलोट तहसील के ग्राम दयालपुरा की। यहां के निवासी गोपाल सिंह सोंधिया ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी कि उनका 15 साल का बेटा 15 मई की रात 8 बजे से घर से कहीं चला गया। घर से जाने के पहले उसके पास मोबाइल पर एक कॉल आया था। मामला नाबालिग के गायब होने की सूचना पर आलोट पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस ने गायब बच्चे की खोज शुरू की। पता चला कि गायब बच्चा गाँव के ही अपने दो दोस्त बच्चों के साथ रात में देखा गया था। पुलिस ने दोनों दोस्तों को पूछताछ के लिए पकड़ा। पूछताछ में दोनों ने पुलिस के सामने कबूला कि उन्होंने अपने दोस्त को गला घोट कर मार डाला और लाश को रीछा महितपुर रोड के बीच एक खदान के गड्ढे में दबा दिया। इस
जानकारी के बाद पुलिस ने दोनों नाबालिग आरोपियों को साथ लेकर खदान पहुंची और लाश को गड्ढे से बाहर निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए आलोक चिकित्सालय पहुंचाया। पोस्टमार्टम के बाद लाश परिजनों को सौंप दी गई। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी और मृतक नाबालिग है और तीनों दोस्त है। आरोपी दोनों नाबालिग बालक धूम्रपान करते थे और कुछ लड़कियों से दोस्ती थी और मृतक इस बात की शिकायत आरोपियों के घर पर उनके परिजनों से कर देता था। वह इन सब गंदी आदतों से दूर रहता था। इससे दोनों आरोपी परेशान थे। उन दोनों ने अपनी परेशानी को दूर करने के लिए अपने दोस्त की हत्या कर दी। यह गांव सोंधिया राजपूत समाज की बाहुल्य का है और मृतक बालक भी इसी समाज का था। अपने समाज के बालक की हत्या से आक्रोशित सोंधिया राजपूत समाज के लोगों ने आरोपियों के परिजनों रिश्तेदारों के घरों में तोड़फोड़ कर पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। दोनों आरोपियों में से एक इसी समाज से तो दूसरा दलित समाज से था। सोंधिया राजपूत के आक्रोश को देखकर दलित समाज के गांव में रहने वाले 6 परिवार गांव छोड़कर भाग गए। थाना प्रभारी आलोक दीपक सहजवार ने बताया, कल सुबह करीबन 10-11 बजे थाने पर सूचना मिली कि नेपाल सिंह जी सोंधिया जी द्वारा ग्राम दयालपुरा से आए थे थाने पर सूचना देने कि मेरा लड़का विशाल सिंह रात को 8-9 बजे के लगभग घर पर था तो उसके पास किसी का फ़ोन आया और फ़ोन आने के बाद वो बाहर चला गया कि मैं आता हूँ अभी। उसके बाद वो रात में 9 बजे के लगभग करीब घर से निकला। उसके बाद उसका सुबह तक कोई पता नहीं चला। रात भर उन्होंने तलाश किया, आसपास नहीं मिला। थाने पर सूचना प्राप्त होने पर चूंकि लड़का विशाल जो है काफ़ी कम उम्र का था, 15 साल के करीब, तो धारा 363 के तहत FIR दर्ज की गई थी और FIR दर्ज कर एक टीम गठित कर इनकी तलाश की जा रही थी। तो तलाश करते हुए थाना अलोट पुलिस ने गांव दयालपुरा, कंठारिया, रीचा आसपास जब तलाश किया तो विश्वस्त सूत्रों से मुखबिर की सूचना मिली कि ये जो विशाल है गुमशुदा, इसको रात में गांव दयालपुरा के 2 लड़कों के साथ देखा गया है रात में। तो वो लड़के 2 संदिग्ध, उनको जब पकड़ के पूछताछ की गई तो उन्होंने जुर्म स्वीकार किया, अपना बताया कि हमने विशाल को रात में बुलवाया था फ़ोन से और उसे मोटरसाइकिल से पुरानी गिट्टी क्रेशर रीचा रोड पर लेकर गए थे। वहाँ बैठ के बातचीत करने के दौरान इन्होंने उसे गला दबाकर मार के वहीं खाई खुदी हुई थी, वहाँ गाड़ दिया है। उन्हीं दोनों बच्चों को अभिरक्षा में लेकर उनसे पूछताछ के आधार पर डेड बॉडी को तलाश किया गया और वो डेड बॉडी उनके बताए अनुसार उस जगह पर मिली, जिसे निकाल कर पहचान वगैरह कराई गई, जो कि विशाल पिता नेपाल सिंह की डेड बॉडी होना पाई गई। बाद में उनका विशाल का पोस्टमार्टम भी कराया गया है, जो कि गला घोटकर हत्या होना डॉक्टर के द्वारा बताया गया है। और अब दोनों जो मृतक की हत्या करने वाले हैं वो दोनों नाबालिग हैं, जिनकी एज करीबन 16 साल की है, और दोनों को अभिरक्षा में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद पर मृतक के मोबाइल को भी उनसे जब्त किया गया है और विवेचना की जा रही है। प्रकरण में धारा 302 का इजाफा किया गया है, 302-201 का, और विवेचना की जा रही है। ये आप गलत कह रहे हैं कि पुलिस संज्ञान ले लेती। पुलिस के संज्ञान में मामला आने से ही पहले ही मृतक की मृत्यु हो चुकी थी। चूंकि हमारे पास दूसरे दिन 11 बजे सूचना मिली थी और मृतक की मृत्यु उससे पहले ही रात में 10 से 11 के बीच में हो चुकी थी। पुलिस के संज्ञान से पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। हत्या का कारण जो दोनों विधि विरुद्ध बालकों ने बताया है, उन्होंने बताया है कि ये लोग दोस्त हैं, साथ में गेम वगैरह भी मोबाइल में खेलते रहते थे। तो जो मृतक है वो इसके सिगरेट पीने की और पुड़िया वगैरह खाने की शिकायत घर पे करता था और एक अब विधिवृद्ध बालक की जो कुछ लड़की से दोस्ती थी उसके संबंध में भी शिकायत करता था, इससे इनको चिलन थी। उस चिलन के कारण इन दोनों विधिवृद्ध बालकों ने विशाल को हत्या कर दी। इस मामले में ग्रामीणों का कहना है कि आज आप ये रतलाम कलेक्टर ऑफिस के सामने क्यों बैठे थे, क्या वजह रही है? सर, हमारा मकान वगैरह सब अस्त व्यस्त कर दिया, सब JCB से गिरा दिया।
और हमने तो कोई गुनाह किया था नहीं, और जिसने किया था उसको हमने पुलिस के हवाले कर दिया था, तो हमारे मकान क्यों तोड़े गए, इसके लिए हमको न्याय चाहिए। इसलिए किसने करा ये सब? सर वो जिसके मृतक के पिता, उसके आसपास के जो हमारे गांव वाले, पूरे गांव वाले एक ही समाज के हैं सर, उन्होंने सब ने मिल के बोला कि इनको भगा दो, गांव से ही भगा दो, और घर पूरे घर गिरा दिए हमारे, मेरे भी गिराए, मेरे अंकल के गिराए, और एक और वो जो था उन्हीं के समाज का, उनका भी गिराया। अच्छा तो ये बता, आप कौन से समाज के और वो कौन से समाज के हैं? मैं मालवी समाज से हूँ। और वो सोंदिया ठाकुर। क्या वो इनको पहले भी गांव में इस तरह की दादागिरी वगैरह करते थे क्या वो? पहले तो ऐसे कुछ नहीं था, पर इससे क्या पता, वो पहले तो नहीं किया ऐसा कुछ, पर अब किया है। तो ये कब किया आपने? उस समय पुलिस से मदद मांगी थी, आलोट पुलिस वगैरह? आलोट पुलिस से मदद मांगी थी सर मैंने, पर जो मैंने TI साहब से को कॉल किया तो उन्होंने मेरा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया नंबर। रात भर अन्य गांव में शरण लेने के बाद ये सभी दलित परिवार के लोग रतलाम कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। सभी लोग कलेक्टर परिसर में जमीन पर ही बैठ गए और अपनी जान बचाने की गुहार लगाई। दलितों ने बताया कि घटना हुई और हमारा एक बच्चा शामिल था, तो हमने खुद पुलिस को सौंप दिया। बच्चे के जुर्म की सजा सभी को क्या मिले? मृतक बालक के समाज के लोगों में आक्रोश है और वह हमें अब गाँव में नहीं रहने देंगे और जान से मार देंगे। रतलाम में SDM, डिप्टी कलेक्टर और CSP ने दलित परिवारों की बात सुनकर इन्हें सुरक्षा का भरोसा देकर अपने साथ हुई घटना की रिपोर्ट आलोट थाने में दर्ज करवाने के लिए भेजा। इन परिवारों को ताल से पुलिस सुरक्षा में आलोट थाने ले गई, जहां उनकी रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। रतलाम CSP हेमंत सिंह चौहान ने बताया, ये परसों रात्रि में आलोट थाना क्षेत्र में एक हत्या की वारदात हुई थी, जिसमें आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। इसमें कुछ आरोपियों के परिजनी आज ये कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित हुए थे। इन्होंने सूचना दी कि जो मृतक है, मृतक पक्ष के कुछ लोगों ने इनके घर पे हमला किया है, तोड़फोड़ की है। इनसे जब पूछताछ की गई तो अभी तक थाने नहीं पहुंचे थे, सीधे कलेक्टर कार्यालय आ गए थे। तो इनको समझाइश दी गई कि थाने में जाके जो भी घटना हुई उसके संबंध में थाना प्रभारी को बताएं। थाना प्रभारी को भी निर्देशित किया जा चुका है कि वो व्यक्ति आएंगे तो इनसे सुने और इनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई करें। सर इनका ये कहना था कि इनकी जान को खतरा है और यहाँ से पुलिस सुरक्षा वगैरह दी गई है? बिल्कुल, इनका कहना था कि वहाँ आलोट में जाने में इनको सुरक्षा का खतरा है, तो उसमें इनको आश्वासित किया गया है ताल थाना क्षेत्र से, और वहाँ पे बिल्कुल इनको सुरक्षा व्यवस्था भी मुहैया करवाई जाएगी। कितने परिवार है कुछ है? इसमें कुल 2 आरोपी थे, दोनों ही आरोपियों के यहाँ तोड़फोड़ हुई ऐसी सूचना इन्होंने दी है। बाकी इसमें विवेचना जारी है, और ये जो भी सूचना देंगे थाने पे, संबंधित थाने पे, उसमें वैधानिक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया जा चुका है।